इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। Pharmacology. Pharmacology is the drugs that are prescribed by the pharmacologists and of course the doctors later on to the particular patient, depending upon their body conditions, depending upon the disease, depending upon so many other factors. So, what I would like to tell the one. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है अलमीन एजुकेशन सोसाइटी पर और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां पर कि जो अलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो इस कैंपस में बेंगलुरु में चलाई जा रही है इस कैंपस में ये जो फार्मेसी कॉलेज है इसका शुमार अच्छे कॉलेजों में सारे मुल्क में इसका एक शुमार हो गया है।
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं वो सारे मुल्क से यहाँ पर आकर यहाँ दाखिला लेकर यहाँ पर पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसमें से 2020 और 21 का जो साल रवा है उसमें तकरीबन 23 रैंक अलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर को मिले हैं। और ये कॉलेज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को अफिलेटेड है और इस लिहाज से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हमारा मुकाम अवलिन सतह पर अल्लाह का फजल हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये कॉलेज और आगे बढ़े ताकि यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो सारे मुल्क से यहाँ आकर तालीम हासिल कर रहे हैं वो फार्मेसी लाइन में एंटरप्रेन्योर बने, फार्मासिस्ट जो कंपनीज होते हैं उसके मालिक बने, यही हमारा सपना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसा पूरा करेंगे। और यहाँ जो तलबा और तालिबात जो यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारा एक बेहतरीन सेंटर जो फार्म डी का जो कोर्स है, ये कोर्स के लिए हॉस्पिटल से अटैच होना है। तो यहाँ पर हमारी जो फिलोमिना हॉस्पिटल है जो बेंगलोर में, वहाँ पर अलमीन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ पर जो ये फार्म डी स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल तौर पर एक साल यहाँ थियरी पढ़ते हैं, वो दूसरे 5 साल वो उस हॉस्पिटल में ये टैबलेट्स बनाने और जो मेडिसिन की तैयारी करने के लिए वहाँ पर वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है जो MBBS डॉक्टर्स हैं ये हमारे तलबा और तालिबात पर डिपेंड होते हैं मेडिसिन बनाने में। और मैं आपको बताऊं कि अलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में करोड़ों रुपयों के मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिसमें दवाएं मशीन बनाने की मशीन है और दवाओं का पाउडर बनाने की मशीन है हमारे पास जिसकी लागत करोड़ों रुपये है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि एक अलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहाँ पर अच्छे हमारे फैकल्टीज हैं, ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, स्वीटिक्स है, हर डिपार्टमेंट में हम नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये कॉलेज भी यहाँ पर हम डोनेशन नहीं लेते, जो फ़ीस का मुकर्रर किए हैं वही फ़ीस लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों को इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस भरने के लिए हम उन्हें मौका फराहम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल लाइन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आए और खिदमत अंजाम दें। मोस्ट पर्टिकुलरली मिल्लत के जो बच्चे हैं उनको भी हम काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। और इसमें काफ़ी लड़कियां इसमें हमारी फार्मेसी कॉलेज में दाखिला दे रहे हैं जो PUC से आते हैं प्लस टू के बाद। यहाँ पर जो बी फार्मा का कोर्स है 4 साल का कोर्स है और जो इसके बाद एम फार्मा है वो 2 साल का है। और इसके बाद ये हमारे पास PhD कोर्सेज भी हैं जिसके गाइड्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स और HODs हैं। और इसके अलावा फार्म डी जो है डी फार्मा जो है ये कोर्स भी हमारे पास है। और यहाँ पर एडमिशन काफ़ी मुश्किलात होते हैं एडमिशन के लिए क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट्स आते हैं और हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम एडमिशन देते हैं। हम ये एडमिशन क्लोज करके जिस तरह दूसरे कॉलेजेस में करते हैं कि कमर्शियल तौर पर जो डोनेशन लिया जाए वो डोनेशन हम नहीं लेते क्योंकि बाबाए तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का एक अवलीन उसूल है कि हम कॉलेजेस को कमर्शियल ना बनाएं, हम खिदमती सतह पर रखें। तो इसलिए हमने और हमारी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह फैसला किया है कि डोनेशन ना लें। और एडमिशन में जब डिमांड आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम एडमिशन देते हैं। इंशाल्लाह ये जो कोरोना आया ये कोरोना के जो हालात में भी हमने बहुत कोशिश की और एडमिशन जब भी यहाँ पर एक 70% एडमिशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हमारा इंटेक भी बढ़ा है। हमारे जो कॉलेज का जो 60 था बी फार्मा में
अब हुकूमत ने हमको 100 इंटेक दिए हैं, यानी कि 40 इंटेक बढ़ा है हमारा। इसमें 75% हमारा मैनेजमेंट का होता है और 25% गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट से भी जब सीईटी में जब काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर हमने देखा है जो गैर कौम के जो तलबा और तालिबात हैं वो भी आलमीन को तरजीह देते हैं, क्योंकि लोगों में एक आलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक स्टेटस बन गया है ऑल ओवर दी कंट्री, और वहाँ से लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं। और हमने हॉस्टल्स भी यहाँ पर मुनक्कद किए हैं जो सहूलत के लिए, जो बॉयज के वास्ते एक अच्छा हॉस्टल है हमारे पास, और लड़कियों के वास्ते भी हम हॉस्टल बनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल की भी कोई कमी नहीं है। हम हमारा नज़्बुलाइन ये है कि हम खिदमात करें, और ये जो तलबा और तालिबात हैं अगर फार्माकोलॉजी की फील्ड में फार्मेसी फील्ड में अगर आएँ तो इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, जिसका ये जो हमारा एम्स एंड नाबजक्स में अलमीन एजुकेशन का यह अवलिन हमारी तरजीह है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।